अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नया दिन और नई उम्मीद के साथ आइए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इंशाल्लाह चैनल को आगे बढ़ाना है। आज सुबह 10 बजे से झाड़ी काटने का काम शुरू हो गया था। मुझे जो स्किन इरिटेशन हो रहा है ना, जो पिछले व्लॉग्स में मैं आप लोग को बताई हूँ, ये एक अहम वजह है। पहले ही करवाना चाहिए था मुझे, पर वो कहते हैं ना, जब तक आप ठेकते नहीं हो तब तक आप सीखते नहीं हो। मेरे साथ भी वही हुआ। इतना ज़्यादा कीड़ा मच्छर हो रहा था कि शाम होते ही बेचैनी। और बीबीएमपी वाला क्या करते पता है, जितना मतलब कचरा होता है यहाँ पे आधा छोड़ के जाते हैं और आधा लेके जाते हैं, और आजू बाजू के भी लोग यहाँ पे कचरा फेंक के जाते हैं। कितने बार मना किए लेकिन इन लोग ना कान में तेल दिए हुए रखते, कुछ नहीं करते हैं। काटने बोला इन लोगों की झाड़ी साफ, कचरा साफ कर दो, झाड़ी काट दो, तो बोलता है कि 3000 रुपया दो। अरे ये मेरी ज़मीन है क्या? फिर भी मैंने आज साफ करवाई, ओनर से परमिशन लिया, और पैसा देगा कि नहीं पता नहीं, बोला कि मैडम आप करवा लो। आज मेरा ना पूरा 1500 रुपया लग गया, 1500 रुपया। देखिए कितना गंदा है, कितना ज़्यादा गंदा था। और इसके चलते मेरा एक चाइनीज़ चॉपर था जो मैं बिग बाज़ार से लेके आई थी, इतना महंगा इतना अच्छा था, ये बोले कि आप दीदी मुझे दो काटने के लिए। मैंने उसको दिया और वो टूट गया। बेचारे लोग कुल्हाड़ी भी लेके आए, कुल्हाड़ी भी इन लोग का निकल गया, वापस ठोक के लेके आए। ये रहा ज़मीन का दूसरा हिस्सा, इंशाल्लाह अब पूरा सफाई हो गया। ऐसे ही पेड़ आ जाए, पपीता का पेड़, तो बहुत अच्छा रहेगा माशाल्लाह। खैर मैं अपना पूरा फ्रेश होकर बच्चों को खाना खिलाकर नमाज़ पढ़ी थी, नीचे खोनू बैठा हुआ है। और नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को सेट करके मैं बाहर निकल गई थी, वही काम करना था मुझे, 1 BHK देखना था मेरे कलीग के फ्रेंड के लिए। और यहाँ पे आई तो फटाफट मैंने लंच कर लिया, उड़ीपी लंच की, वही इन लोगों का मील रहता है। जब मील मैंने लिया ना, इन लोगों को मिर्ची देने बोली, तो कहता है कि आप इतना मिर्ची क्यों खाते हो? मैं बोली कि मेरा आदत है, तो बोलता है कि नहीं गैस्ट्रिक हो जाएगा। मैं बोली हरी मिर्ची से कभी गैस्ट्रिक नहीं होता है, लाल से होता है। लंच करने के बाद मैं कुछ देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए मुझे सलून जाना था, मुझे ट्रिम करवाना था, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन उन लोग का वहाँ पे मशीन काम नहीं कर रहा था, और ये बेबी जो ओनर है उसकी बेबी है, मैं फ़र्स्ट टाइम उसको देखी, माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। थोड़ा देर मैं वहाँ पे बैठी, फिर उसके बाद मैं निकल गई घर ढूँढने। मैं ना थक गई थी चलते चलते, और यकीन करें एक भी टूलेट का बोर्ड मुझे नहीं नज़र आ रहा था। लास्ट में मैं एक, मेरी जान पहचान के एक हैं, उनको फ़ोन की, तो वो कहने लगे कि इतना ज़्यादा डिमांड है 1 BHK और 2 BHK का साउथ बेंगलोर में, तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है, आप 2-3 दिन का वक्त मुझे दीजिए, फिर मैं 15 अगस्त के बाद मैं आपसे बात करता हूं। है ये वाला फॉर सेल, एक भी टूलेट का वो नहीं दिख रहा है। सारा पीजी 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 भर गया पीजी। ये तोड़ है, ये तो ये पूरा यहाँ पे खाली प्लॉट था, ये तोड़ के यहाँ पे पीजी बन रहा है, यहाँ पे इस तरफ ये वाला पूरा पीजी बन रहा है, पूरा उधर भी है, इस तरफ है, पूरा फुल ब्लॉक पीजी। इतना अजीब लग रहा था, लोग अपना मकान बिल्डर को पीजी बनाने देकर खुद दूर चले जा रहे थे रहने के लिए। क्या सारा इंडिया बेंगलोर में बस जाएगा? दूसरा कोई डेवलप सिटी नहीं है। और यही ओनर्स कोविड के टाइम हाथ पैर जोड़ के बोल रहे थे आओ मेरे घर रहो, और आज वो कह रहे कि 1 BHK का आपको 15 से 16 हज़ार रुपया देना पड़ेगा, अगर नहीं दे सकते तो घर खाली करके आप चले जाइए, है ना। तो वक्त वक्त की बात है, आप ज़्यादा ऊपर मत जाओ, ऊपर वाला देख रहा है। खैर मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और मगरिब का भी वक्त हो रहा था, मैं वापस आ गई घर, कुछ नाश्ता लेकर बच्चों को खाना दे दिया। और जैसे मैं किचन खोलती हूँ ना, ये मैडम अंदर चली गई, डुल्लो खा रही थी, जैसे ये अंदर गई इसका देखा देखी सब के सब आगे, अरे यार सबको बाहर निकाले, सब अपना अपना खाओ जाकर। लेकिन देखो मेरा बच्चा डुल्लो कुछ भी नहीं बोलती है, बस वो हट जाती है, दूर जाके खड़ी हो गई, सबको बाहर निकाले, फिर वापस उसको खाना दिए।
और भोला भी उस वक्त आ गया था, भोला को भी खाना थी। भोला बहुत मायूस दिख रहा था। उसके बाद मगरिब पढ़ के मैं थोड़ा सा नाश्ता की, वही जो 1:30-2 बजे मैं खाना खाई थी, नाश्ता की थोड़ा सा। वाला दिन, क्या आप भी बेंगलोर आना चाहते हैं? ज़रूर आना, बहुत खूबसूरत सा शहर है। कौन सा शहर से आप वीडियो देखते हैं ये हमारा, प्लीज़ बताना। किशमिश फैमिली को दुआओं में हमेशा शामिल रखे। और ये देखिए कितना खूबसूरत फूल खिले हैं और अभी भी खिलना बाकी है ना। आप खुश रहें, अपनों का और बेजुबानों का ख्याल रखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले दिन अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।